दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से ओलम टेट एप्लीकेशन में, जैसे कि आप लोगों ने लाइट मोड सेट कर रखे है लेकिन आप चाहते हो लाइट मोड हटाकर फिर से डार्क मोड करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आपको ओलम टेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लाइट मोड देखने को मिल रहा होगा, यानी कि वाइट यानी कि ब्राइटनेस वाला। तो आप इसे चाहते हैं डार्क मोड करना, तो डार्क मोड करने के लिए सेम उसी तरीके से आपको डार्क मोड करना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली सा प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली सा क्या करना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। और सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्लेटफॉर्म का, सिंपली सा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लाइट का, सिंपली सा लाइट के ऊपर क्लिक करना है। और लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डार्क मोड सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे डार्क मोड लिख कर आ चुका है। आपको क्या करना है, डार्क मोड के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे डार्क मोड के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ओलम टेट एप्लीकेशन का जो अकाउंट है यानी कि वो ऐप है उसमें डार्क मोड लग चुका है, यानी कि डार्क मोड हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी सेम इसी तरीके से अपना ओलम टेट एप्लीकेशन में डार्क मोड सेट कर सकते हैं। तो डार्क मोड सेट करना सीख लिए थे, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।